जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो गर्मी आ चुकी है और बाज़ार में कच्चे कच्चे आम मिलने शुरू हो चुके हैं, और यदि आपके घर के आसपास आम के पेड़ हो तो वहाँ भी कच्चे आम आने शुरू हो चुके होंगे। तो आप चाहे बाज़ार से लेकर आएँ चाहे किसी भी पेड़ से तोड़ें, बट इस तरीके से एक बार आम का अचार आप ज़रूर बना के देखिए। मेरा वादा है कि आपके घर में इस तरीके से आम का अचार सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएंगे, और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। आम के एकदम चटपटे अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा किलो लगभग आम ले लेंगे, जिन्हें हम कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ मसाले ले लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 छोटे चम्मच अजवाइन मंगरैल ले लेंगे। आप मसालों को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 2 छोटे चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1.5 छोटे चम्मच हम यहाँ पर हींग ले लेंगे। 3 छोटे चम्मच हम यहाँ पर भुना जीरा पाउडर ले लेंगे। 1.5 छोटे चम्मच हम यहाँ पर पंचफोरन ले लेंगे। स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 बड़ी चम्मच लगभग सरसों ले लेंगे, और यहाँ पर हमने 3 बड़ी चम्मच लगभग सरसों का तेल ले लिया है। यहाँ पर हम 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर सौंफ ले लेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पर मेथी दाना ले लेंगे। अब इन सब चीज़ों से हम अपने एकदम टेस्टी और चटपटी आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम गैस चालू करके तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। तवे के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें लाल मिर्च, सौंफ और जो हमने मेथी दाना और अजवाइन मंगरैल लिया था ना, उसे हम इसमें डालकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसे 1.5 से 1 मिनट कुछ इसी तरीके से चलाते हुए इन्हें भून लेना है। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। मसालों के अच्छे से भून जाने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसे एकदम फाइन पेस्ट नहीं बना लेना है, थोड़ा सा हम इसे दरदरा ही पीस लेंगे। इसके बाद सेम मिक्सी जार में यहाँ पर हम सरसों भी डालकर इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सरसों भी एकदम अच्छे से पिस चुके हैं। तो अब हम एक एक करके सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, और हमारे एकदम चटपटे टेस्टी आम के अचार बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, पंचफोरन, भुना जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग, पिसा हुआ सरसों, भुने हुए मसाले, और बस। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से एकदम अच्छे से आपस में मिला लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यदि आपने पहले कभी आम के अचार ट्राई ना किए हो तो एक बार इस तरीके से आम के अचार बनाकर देखिएगा। मेरा वादा है कि आपके घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे रोटी सब्जी के साथ इंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे, क्योंकि सरसों का तेल जो रहता है ना अचार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सरसों का तेल ऐड करके इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पर हमारे एकदम टेस्टी से आम के अचार बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी आप सभी के लिए लाते रहें। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।